के करोड़ों लोग भले ही हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल समझते हो, लेकिन हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में हॉकी को राष्ट्रीय खेल होने का दर्जा होने से इनकार किया है। देश को 8 बार ओलंपिक गोल्ड और 1 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में खेल मंत्रालय ने कहा कि देश में किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं है। प्रधानमंत्री जी से, खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द ही इस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। आरटीआई दाखिल करने वाले धर्मवीर का कहना है कि वो एक टीचर हैं और पिछले 11 साल से बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी की कई परीक्षाओं में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। जितनी भी एग्जाम देते आए हैं उनमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आज तक हॉकी इसका आंसर मिला है। हॉकी की तरह महात्मा गांधी को भी संविधान के नियमों का हवाला देकर अब तक राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को चार धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए ऋषिकेश से चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जाने वाले 15 यात्री बसों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज चार धाम यात्रा, जो कि हमारे उत्तराखंड का गौरव है, चारों धाम